नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर 2 रीड कर रहे थे। फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2.3 बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आर डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गुड हेल्थ आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ अदर। हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए हमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में लेना पड़ता है, ठीक है। ना ही कोई एक चीज़ ज़्यादा लेने से या फिर दूसरी कम लेने से बात बन सकती है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, जिसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स हो जो हमारी बॉडी को जरूरत है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। पल्सिस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन्स, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जेगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स होता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए हमें कोई प्रॉपर डाइट या फिर बैलेंस डाइट के लिए कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट से ही काम नहीं बनता, उसे अच्छे से पकाना भी पड़ता है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। कई बार हम खाना बनाने में कई न्यूट्रिएंट्स को लॉस्ट कर देते हैं ज़्यादा पकाने से, फिर या फिर ज़्यादा मसाले वगैरह डालने से उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वास्ट आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। सब्जी या फिर फलों को हम काटने के बाद अगर धोते हैं तो उनके कुछ विटामिन्स वगैरह लॉस्ट हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज मे रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। पल्सेज को और राइस को हम बार बार धोते हैं तो उनके भी क्या होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। और उसी तरीके से कुछ सब्जियों के या फिर कुछ फलों के जो स्किन होती है, जो ऊपर का हम जिसे हम छिलका बोलते हैं, उसको हम अगर हटा देते हैं तो उससे भी हम क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को लॉस्ट कर देते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी क्या होता है, हमारा जल्दी से ख़त्म हो जाता है जैसे हम उनको खाना पकाते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। इसलिए हम विटामिन सी मोस्टली किस चीज़ों से लेते हैं, कच्ची चीज़ों से लेते हैं, बिना पकाई हुई चीज़ों से विटामिन सी ज़्यादा लेते हैं। बुजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड, इजंट इट। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। मतलब फैट वाली ज़्यादा चीज़ें खाने से ऑब्वियसली हमारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा और हमें मोटापा की शिकायत हो जाएगी। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीज़। अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। कई बार हम क्या करते हैं, किसी एक ही तरह का खाना खाते रहते हैं लगभग हर बार, ठीक है। इसलिए कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स हम लॉस्ट कर देते हैं जो हम बिल्कुल ग्रहण ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या रहती है, डेफिशिएंसी, यानी उस चीज़ की कमी आ जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कोज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। किसी चीज़ की पर्टिकुलर डेफिशिएंसी से ज़्यादा होने से हमें क्या उससे रिलेटेड क्या होती है, बीमारी हो जाती है। डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। एक लंबे टाइम तक हम उस चीज़ को बिल्कुल ही ग्रहण ही नहीं करते हैं तो क्या होती है, हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। अगर कोई प्रोटीन को नहीं ग्रहण करता है तो क्या होता है, डायरिया, स्किन डिजीज़ या फिर स्वेलिंग आ जाती है फेस में, तो कुछ इस तरीके की बीमारियां होने लग जाती हैं। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ मे स्टॉप कम्प्लीटली।
कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को हम एक लंबे टाइम तक अगर नहीं लेते हैं तो क्या होती है, ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। तो वो इतने पतले और कमज़ोर हो जाते हैं कि वो हिलने डुलने भी नहीं लगते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। कुछ विटामिन्स या मिनरल्स की कमी से और भी बीमारियां होने लग जाती हैं। सम ऑफ दीज आर इन टेबल 2.3। ऑल द डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग अ बैलेंस डाइट। हर तरीके की डेफिशिएंसी डिजीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ये कुछ 2.3 में डेफिशिएंसी डिजीज है और किन चीज़ों की कमी से वो होता है वो दिया गया है, ये रीड करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।